नाम करतानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आजकल बानी हम ममता तिवारी राउत पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके हर बार के लेखा ए बार भी ले आयल बानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल हर तमाम खबर के लेके जे जनला का बाद रउआ सबके हो की बहुत ज्यादा खुशी। आ पहला खबर जे ले आयल बानी उ जुड़ल बाटे निरहुआ आ आम्रपाली के फिल्म बॉर्डर से। बॉर्डर फिल्म के चर्चा आजकल खूब चल रहा बा, काहे से ए फिल्म के सेट से जुड़ल कई सारा तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल भइल, जे में अब रिलीज के खबर फैल गइल बा। तस्वीर के देख के दर्शक लोग के इंतजार बाटे कि निरहुआ बॉर्डर का साथे कब अहन, काहे कि सुने में बहुत पहले ही आयल रहे कि फिल्म बहुत बड़ बजट के साथ बनत आटे। तस्वीर देखला के बाद, खासकर आम्रपाली के लुक देखला के बाद, सब कोई एक्साइटेड बाटे फिल्म के रिलीजिंग डेट जाने खातिर। तो बता देवल चाहेम कि रिलीज डेट पता लाग गइल बा। आज सुने में आयल बा कि ईद पर निरहुआ के फिल्म बॉर्डर रिलीज होगी, काहे कि सलमान के लेखा ही अब निरहुआ प्लान बना ले बढ़े कि हर ईद पर ऊहो अपन कोई ना कोई फिल्म रिलीज जरूर करी है। देखी भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों कई सारी मेगा बजट की फिल्में बनने लगी हैं। सबसे महंगी फिल्म इन दिनों दिनेश के नाम की हैं, जैसे निरहुआ चलल लंदन, निरहुआ चलल अमेरिका। इसके अलावा एक और फिल्म है जिसे बहुत बड़े बजट के साथ बनाया जा रहा है, जिसका नाम है बॉर्डर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉर्डर फिल्म की शूटिंग हो चुकी है पूरी और अब चल रहा है पोस्ट प्रोडक्शन का काम इन दिनों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉर्डर रिलीज हो कब रही है? नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि निरहुआ की सारी फिल्में किसी खास अवसर या त्योहारों पर रिलीज की जाती हैं। ठीक वैसा ही इस फिल्म में के साथ भी होने जा रहा है, क्योंकि इस ईद पर रिलीज होगी निरहुआ की फिल्म बॉर्डर। लगता है सलमान से प्रेरित होकर निरहुआ ने भी हर ईद पर अपनी फिल्म से धमाकेदार दस्तक देने का मन बना लिया है। इसलिए तो पिछली बार भी ईद के मौके पर निरहुआ की एक फिल्म रिलीज हुई थी। खैर, तो कीजिए सिर्फ कुछ महीनों का इंतजार, जल्द ही सिनेमाघरों में आपको देखने को मिलेगी निरहुआ की फिल्म बॉर्डर ईद के मौके पर। तो ईद के भी अभी लंबा समय बाटे, तो इंतजार भी लंबा होगी। लेकिन फिलहाल बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बाटे पवाना खेसारी से। देखिए ये लोग के टक्कर इंडस्ट्री में इतना फेमस बाटे जितना अब दोस्ती फेमस हो रहा बा। दोस्ती के कई सारा तस्वीर वो सब देख चुकल होखेम, कई सारा बात रहुआ सब सुन चुकल होखेम, लेकिन अब टक्कर होके जा रहा बा पहला बार साल की शुरुआत में। ऐसा खबर आए कि 26 तारीख के दुल्हन गंगा पार के ट्रेलर रिलीज कर जाए, आ ओहे का आसपास पवन सिंह के वांटेड फिल्म के ट्रेलर भी रिलीज होगी। आ सिर्फ ट्रेलर है ना, आगे चल के ये दोनों फिल्म में भी आपस में हो सकता टक्कर, माने एक ही दिन हो सकती है दोनों फिल्म रिलीज। आ दोनों सुपरस्टार के हो सकता बॉक्स ऑफिस पर टक्कर, पहले बार बहुत बार हो चुकल बा। आ दोनों फिल्म जितली सा दोनों सुपरस्टार लोग जितने लोग, लेकिन अब देखल दिलचस्प होगी कि का वाकई में दोनों फिल्म टकराई आपस में। आ यदि टकरा जाए तो के फिल्म रही सबसे ज्यादा सुपरहिट, तो वक्त बताई। लेकिन फिलहाल रहो सब देखी यही टकराव पर एगो खास खबर देखी। भोजपुरी के सुपरस्टारों में फिल्मों को लेकर आपसी टकराव का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, चाहे वो फिल्मों की बात हो या गाने को लेकर। यही तो कारण है कि जब से तीन फिल्में दो फिल्में सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होती हैं, तो लोगों की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ जाती है ये जानने के लिए कि कौन सी फिल्म को दर्शक सबसे ज्यादा प्यार दुलार देते हैं। खैर, बहुत दिन बीत चुके हैं जब पवन खेसारी या निरहुआ की फिल्में एक साथ रिलीज नहीं हो रही हैं, तो जिन लोगों को इंतजार था दोनों के टकराव का, अब उनके लिए आ चुकी है एक खुशखबरी सामने। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खेसारी की फिल्म दुल्हन गंगा पार के और पवन सिंह की फिल्म वांटेड आपस में टकरा सकती हैं। सबसे पहले तो YouTube पर ट्रेलर 26 तारीख को आपस में टकरा सकता है, उसके बाद सुनने में ये भी आ रहा है कि दोनों की रिलीजिंग डेट भी सेम हो सकती है। तो अब तो स्थिति ऐसा ना बन गई बा कि फिल्म से ज्यादा टकराव के लोग के इंतजार रहेला। खैर, बढ़े के आगे फिलहाल अभी जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बाटे कल्लू के हीरोइन रितु सिंह से, जो खेसारी का साथे काम कर चुकल बड़ी, जे पवन सिंह का साथे भी काम कर चुकल बड़ी। बहुत खूबसूरत हीरोइन बड़ी,
बहुत सराहना होला इनकर काम के। हाले में कल्लू का साथे नजर आयल रही, अब इनकर शादी होके जाता। जी हाँ, शादी मने साचो में मत लेम लोग, काहे कि फिल्म में शादी होके जाता बहुत रीति रिवाज से। शादी से पहले हल्दी के तस्वीरों शेयर कर दिले बड़ी, ऐसा लगा था इतना खुशी जाहिर कर ले बड़ी वो तस्वीर साझा करके कि जैसे रियले में शादी होता। खैर, रितु सिंह कल्लू का साथे दूसरा बार शादी करे जा रहल बड़ी, साथ फेरा लेवे जा रहल बड़ी। एगो फिल्म आ रहल बा कल्लू और रितु सिंह के, लेकिन कौन बाटे फिल्म कहाँ हो रहल बा, शूटिंग आ कैसे हो रहल बा, रितु सिंह कैसन नजर आवतारी, ये सब पता चली ए रिपोर्ट में। भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों शादी का मौसम हर किसी के सर चढ़ बोल रहा है, क्योंकि जिसको देखो वही शादी कर रहा है, कोई फिल्म के लिए तो कोई अपनी रियल लाइफ में। हाल ही में पवन की शादी के बाद एक्ट्रेस रितु सिंह ने भी कर ली है शादी। शादी के रीति रिवाज हो चुके हैं शुरू और रितु को लग रही है हल्दी, क्योंकि हल्दी लगने के दौरान की तस्वीर रितु ने हाल ही में अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर की है। तो लग गया ना आपको भी धक्का ये सोचकर कि पवन की तरह ही रितु ने यानी कल्लू की फिल्मी हीरोइन ने भी बिन किसी को बताए शादी कर ली है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रितु ने शादी तो जरूर की है, लेकिन सिर्फ फिल्म के लिए, क्योंकि कल्लू के साथ आने वाली फिल्म में फिर से रितु दिखाई देंगी रोमांस करते हुए, जिसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। और शूटिंग से जुड़ी तस्वीर ही हाल में रितु ने अपने फेसबुक पे शेयर की, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। लेकिन अब आप सोच रही होंगे कि आखिर किसके साथ हो रही है रितु की ये फिल्मी शादी। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि इस फिल्म में भी कल्लू के साथ ही रितु लेने जा रही है फिर से साथ फेरे। तब फिल्म में तो शादी हो गई, लेकिन अब रियल में शादी कब होगी एक इंतजार सब कोई की बड़े बाटे, लेकिन हीरो लोग के ना हुई, कहे कि उनकर हीरोइन बढ़िया इतना खूबसूरत बड़ी तो केहू ना चाहे कि हमारा हाथ से जाओ। खैर, बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बाटे आम्रपाली से। आम्रपाली के हाल ही में बुरखा में एगो लुक सामने आयल बा जो बॉर्डर फिल्म के बा। आसपास निरहुआ आ प्रवेश लाल खड़ा बारे लोग, तीनों जना बहुत खुश बा लोग, लेकिन आम्रपाली के लुक सबसे डिफरेंट बा, यही से मचा रहल बा सोशल मीडिया पर तहलका। आम्रपाली के ऐसा रूप में देख के पवन सिंह के फिल्म गदर के याद आ रहल बा, जब मैं पवन सर पे टोपी पहन के बहुत अच्छा लुक मने रहे उ गदर फिल्म के याद जरूर दिला दी। तो मने बॉर्डर भी ऐसे सुपरहिट साबित होके वाला बा, कहे कि चर्चा तो सगरों छिटाइए गई बा, गदर से भी ज़्यादा हो सकता कि सुपरहिट होखो, कहे कि बहुत बड़ा बजट के साथ बन रहा बा। खैर, दोनों फिल्म अलग अलग जगह पर भी है, लेकिन दोनों फिल्म में लुक समान बा पवन के आम्रपाली के। देखें, भोजपुरी के जुबले जोड़ी निरहुआ और आम्रपाली दुबे इन दिनों बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आजकल अपनी हर छुट्टियों को बड़े आराम से मना रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही आम्रपाली और निरहुआ की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें आम्रपाली बुरका पहने हुए नजर आई थी। इनके साथ निरहुआ और परवेज लाल यादव भी नजर आए हैं और सभी के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही है। आम्रपाली को ऐसा अवतार में पहली बार देखा होगा आप सभी ने। बॉर्डर फिल्म में आपको आम्रपाली अब तक के सबसे अलग रूप में दिखाई देंगी, क्योंकि अभी तक आपने आम्रपाली को साड़ी से सूट में या फिर छोटे कपड़ों में देखा होगा, लेकिन पहली बार अब आप आम्रपाली को बुरखा पहने हुए देखेंगे। हाल ही में वायरल हुई इस बुरखा वाली तस्वीर में भी आम्रपाली बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। लुक के बाद एक खुशखबरी और बाटे कि रितेश पांडे के हो रहल बा सफलता के हर सीढ़ी पार कर रहल बने, वो आगे बढ़त जाते रहे। उनकर इस सफलता से उनकर परिवार बहुत खुश बाटे। हाल ही में रितेश अपन मम्मी या पापा के साथ घूमत नजर आई बने, उन लोग के मम्मी पापा भी बहुत खुश बा लोग। पहले ही सुने में आवत रहे कि रितेश के फैमिली सपोर्ट नहीं के मिलत, लेकिन अब जे हिसाब से उनकर पापा मम्मी उनकरा साथे नजर आए लोग, लागा था कि उहो लोग रितेश के कामयाबी से बहुत खुश बा लोग। रितेश के साथे फोटो भी खिंचवले बा लोग, और रितेश के लोकप्रियता इतना ज़्यादा बढ़ गई बटे कि उनकर मम्मी पापा के खुशी से छाती गदगद हो गई बा, चौड़ा हो गई बटे सीना, मतलब उनकर पापा बहुत गर्व फील कर रहल बने। अब मान ली कि कोनो बचपन के राउरे दोस्त होखो आऊ बहुत आगे बढ़ जाओ, चाहे राउरे बेटा बेटी होखो वो बहुत आगे बढ़ जाओ, तो बहुत खुशी के बात होला। यही से रितेश के आसपास के लोग, इनकर मम्मी पापा लोग, सब लोग बहुत खुश बाटे। देखें, भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं, अपने गानों को लेकर, अपने स्टेज शो को लेकर और अपनी फिल्मों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। रितेश के सारे गाने इन दिनों चर्चाएं बटोर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रितेश के पास
इन दिनों फिल्मों से जहां लगातार ऑफर आ रहे हैं, तो वहीं लगातार फिल्मों के अलावा रितेश स्टेज शो कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वो दिन दूर नहीं है जब रितेश भी अपनी फीस में कुछ बढ़ोतरी करेंगे। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रितेश का परिवार पहले कभी नहीं चाहता था कि वो गाना गाएं, डांस करें या हीरो बने, लेकिन रितेश के इस सफलता को लेकर अब उनके परिवार वाले बहुत खुश हैं और रितेश को अब सब सपोर्ट भी करने लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रितेश के पापा भी अब रितेश की इस सफलता से खासा खुश हैं, इसलिए कुछ दिनों पहले ही रितेश अपने परिवार के साथ घूमते हुए नजर आए। तो ये रहे आज के कुछ ताजा खबर। चले के समय हो चुकल बा, लेकिन जाए से पहले बताई लेगो मैसेज भेजले बड़े लव कुमार। ये लिखत आ रहे ममता जी, आप राइट बोल रही हैं, सब पवन सिंह के ऊपर गंदा गाना गाकर कोई सिंगर नहीं बन जाएगा। भोजपुरी पवन सिंह जैसा कोई सिंगर नहीं है, नहीं था और नहीं होगा। तो अगर सुन रहा बाड़े पवन सिंह, आप पवन सिंह पर गीत गाए वाला गंदा लोग, तो गौर जरूर फरमाए। लव के मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाता नहीं हम, लेकिन जाए से पहले कहल चाहिम कि नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करल मत भूले लोग। ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद देत रही, आ एगो प्यार भरा अ खास मैसेज अपन फेवरेट स्टार खातिर जरूर करेम लोग, ताकि अगले एपिसोड में हम राउर मैसेज के ले सकी। लेकिन तब तक खातिर दी ही इजाजत, प्रणाम। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।